रमा कहाँ हो तुम? मोहित ऑफिस से आते ही उसे आवाज लगाने लगा। रमा रसोई से हाथ पोछती हुई आई और कहने लगी, क्या हुआ मोहित? मोहित कहने लगा, देखो आज माँ का फोन आया था। तुम्हें तो पता ही है कि दीदी की तबीयत बार बार खराब हो रही थी, तो वो किसी अच्छे डॉक्टर से दिखाने के लिए वेल्लोर जाने वाले हैं, तो माँ ने तुम्हें भी वहाँ बुलाया है ताकि तुम वहाँ जाकर खाना वगैरह बना सको और दीदी की देखभाल भी अच्छे से हो सके। रमा कहने लगी, लेकिन पिछली बार जब मैं वेल्लोर गई थी तो मुझे वहाँ पर रूम पर अकेले अच्छा नहीं लगता था। मम्मी पापा हॉस्पिटल चले जाते थे और उसके बाद शाम तक रूम पर नहीं आते थे। जब वो लोग घूम फिर कर रात को वापस आते थे तो कहते थे कि खाना भी हमने बाहर ही खा लिया है। ऐसे में मैं दिन भर खाना बनाकर बेकार में ही वहाँ पर बैठी रह जाती थी। मोहित झुंझलाते हुए बोला, अरे पिछली बार तो पापा अपना रूटीन चेकअप करवाने के लिए गए थे ना, लेकिन इस बार तो दीदी को घर का बना खाना ही खाना है क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। मैं वह सब नहीं जानता, तुम कोई बहाने मत बनाओ, चुपचाप जाने की तैयारी कर लो। मोहित ने गुस्से में अपना फैसला सुना दिया तो रमा भी फिर कुछ बोल नहीं पाई। हमेशा ऐसा ही होता था, यहाँ रमा की तबीयत खराब हो या कोई भी समस्या हो, जब भी ससुराल से बुलावा आता था तो मोहित उसे घर पहुँचा देता था। घर में कोई पार्टी हो, पूजा हो या किसी को डॉक्टर के पास लेकर जाना हो, किसी की तबीयत खराब हो, हर परिस्थिति में मोहित अपने परिवार के साथ खड़े रहना चाहता था और रमा को अपना फर्ज निभाने के लिए भेज देता था। जब रमा वहाँ पर जाती थी तो उसे ऐसा लगता था जैसे उसकी एक एक रोटी के बदले उससे खूब जमकर काम करवा लिया जाएगा। यही उन लोगों की मंशा होती थी क्योंकि वहाँ पर उसे एक मिनट भी आराम नहीं करने दिया जाता था। जब भी वह थोड़ी देर बैठने की कोशिश करती थी तो यही कहा जाता था कि बहू तुम यहाँ काम करने के लिए आई हो, मुफ्त की रोटियां तोड़ने के लिए नहीं आई हो। रमा को यह सब सुनकर बहुत बुरा लगता था, आखिर वह भी इंसान थी, थक जाती थी, लेकिन उसे यही कहा जाता था कि यहाँ पर तुम्हें काम करने के लिए बुलाया गया है तो तुम आराम मत करो। रमा ने कई बार अपने पति को यह सब बताने की कोशिश की, लेकिन मोहित की आंखों पर तो परिवार के नाम की पट्टी बंधी हुई थी, जिसके कारण उसे ना तो अपनी पत्नी की तकलीफ दिखाई देती थी और ना ही अपने घर वालों की चालाकियां। देखते ही देखते मोहित और रमा की शादी को 5 साल हो चुके थे। इस बीच अगर कभी भी रमा की तबीयत खराब हो जाती थी और मोहित अपने परिवार में से किसी को मदद करने के लिए बुलाना चाहता था तो वह लोग कह देते थे कि तुम्हारी पत्नी तो हमेशा बीमार ही पड़ी रहती है, इसे यहाँ लेकर आने की जरूरत नहीं है और ना हम ही वहाँ पर उसकी देखभाल के लिए आ सकते हैं। खैर उस समय तो मोहित ही पत्नी का ध्यान रख लेता था, लेकिन इधर कुछ दिनों से रमा के पेट में दर्द रहने लगा था। जब जांच हुई तो पता चला कि उसके गर्भाशय में गांठ है और उसका ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। अब गांव में तो ऑपरेशन हो नहीं सकता था तो मोहित ने अपनी माँ को फोन लगाया और कहने लगा, माँ तुम्हें यहाँ पर हमारी मदद करने के लिए कुछ दिनों के लिए आना होगा। इस पर मोहित की माँ भड़क गई और कहने लगी, क्यों अब क्या हो गया? मोहित ने विस्तार से अपनी माँ को सारी बातें बताई तो मोहित की माँ कहने लगी, अरे बेटा पता नहीं इसके घर वालों ने कैसे बीमार बेटी हमारे गले बांध दी, बहू तो हमेशा बीमार ही रहती है और अब यह ऑपरेशन। देख बेटा मैं तो कहती हूँ कि इसे मायके ले जाकर हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दे। बेटा इस बीमार बहू के ऑपरेशन पर रुपए बर्बाद करने से अच्छा है कोई दूसरी पत्नी ले आओ, हम दोबारा तुम्हारी अच्छी और स्वस्थ लड़की से शादी करवा देंगे, तुम्हें इसके पीछे इतने रुपए बर्बाद करने की क्या जरूरत है? ऊपर से ये माँ भी नहीं बन पा रही है। मोहित कहने लगा, माँ ऐसा मत बोलो, वह माँ इसलिए नहीं बन पा रही थी क्योंकि उसकी गर्भाशय में गांठ है, ऑपरेशन होते ही सब ठीक हो जाएगा, वह माँ बन पाएगी। सच्चा जीवन साथी वो नहीं होता है जो बीमारी में अपने जीवन साथी का साथ छोड़ दे। अगर मुझे कुछ हो जाता और रमा मेरा साथ छोड़ देती तो क्या तुम्हें अच्छा लगता? उसकी माँ गुस्से में बोली, तुझे कुछ क्यों होगा? देखो बेटा तुम इस डिफेक्टिव बहू को छोड़ दो, ये तुम्हें बर्बाद कर देगी, हम तुम्हारी दूसरी शादी करवा देंगे। रमा रोने लगी। मोहित भी रमा की बीमारी से परेशान था, उसने गुस्से में कहा, ये तुम कैसी बातें कर रही हो, ऐसे मुश्किल समय में तुम्हें ऐसी बातें कहते हुए शर्म नहीं आती क्या? मेरी पत्नी की तबीयत खराब है तो तुम कह रही हो कि इसे छोड़ दो, हम तुम्हारे लिए दूसरी पत्नी ले आते हैं। जब तुम्हारी तबीयत खराब होती है तो क्या तब मैं तुम्हें छोड़ दूं और कोई स्वस्थ माँ लेकर आऊं? ये क्या बकवास बात कर रही हो तुम? बेटे की बात सुनकर सरिता जी गुस्से में बोली, तुम्हें तो बस अपनी पत्नी का पक्ष लेना आता है, देखो बेटा वो आए दिन बीमार पड़ती रहती है, हम वहाँ पर बार बार तुम्हारी मदद करने के लिए नहीं आ सकते। मोहित को भी आज बहुत तेज गुस्सा आ गया था, वो बोल पड़ा, आप लोग कितनी बार मेरी पत्नी की मदद करने के लिए आए हैं जरा एक बार बता दीजिए तो, वहाँ तो जब भी आप लोगों को जरूरत पड़ी मैंने यहाँ से रमा को आप लोगों की देखभाल करने के लिए भेज दिया, मैं खुद छुट्टी लेकर जरूरत पड़ने पर घर चला जाता हूँ, लेकिन आज जब रमा को आप लोगों की जरूरत है तो आप लोग तो मेरी पत्नी बदलने पर ही तुले हुए हैं। अरे तबीयत खराब किसकी नहीं होती,
आप भी तो शादी के बाद बीमार पड़ी होंगी, उस वक्त पापा भी आपको छोड़कर दूसरी शादी कर लेते, तब आपको कैसा लगता? आपको हमारी मदद नहीं करनी है तो सीधे सीधे बोल दीजिए। इस तरह की बातें करके आप अपना सम्मान खो देंगी। इतना कहकर उसने फोन काट दिया। आज वह खुद को बहुत ठगा हुआ सा महसूस कर रहा था, क्योंकि अपने परिवार की हर जरूरत के समय वह एक पैर पर खड़ा रहता था। रमा की सुविधा या असुविधा को नजरअंदाज करके वह उसे भी घर भेज दिया करता था, लेकिन आज जब रमा को सहारे की जरूरत थी तो कोई भी उसका साथ देने को तैयार नहीं था। फोन काटने के बाद मोहित अकेले में आंसू बहाने लगा। तभी पीछे से रमा की आवाज आई। उसकी आंखों में भी आंसू थे। मोहित ने अपने आंसू छुपाने की कोशिश की, लेकिन रमा ने उसे अपने गले से लगा लिया और सिसक पड़ी तो मोहित के आंसुओं का बांध भी टूट पड़ा। उसने भरे गले से कहा, मुसीबत के समय में मुझे पता चल रहा है कि सब मतलब के यार हैं। जब तक उन्हें जरूरत होती है तब तक तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आज जब हमें जरूरत पड़ी है तो ये लोग कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। रमा कहने लगी, जाने दो, कोई बात नहीं, मुझे तो वैसे भी किसी से कोई उम्मीद नहीं थी। मैं तो तुम्हें पहले भी कई बार समझाती थी कि हमें थोड़ा अपने बारे में भी सोचना चाहिए, लेकिन तुम्हारा सोचना भी सही था कि परिवार के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए, मगर हर बार मदद की उम्मीद हमसे ही की जाए और जब हमारी मदद करने की बारी आई तो कदम पीछे खींच लिया जाए, यह भी तो सही नहीं है ना, कहते हुए उसका गला भारी होने लगा। मोहित ने धीरे से कहा, अच्छा चलो, माँ ने तो इनकार कर ही दिया है, एक बार मैं दीदी से भी पूछकर देख लेता हूँ, क्योंकि उनकी बीमारी के समय भी कई बार तुम उनकी मदद करने के लिए गई हो। रमा कहने लगी, पूछने से कोई फायदा नहीं है, छोड़ दो ना। मोहित कहने लगा, नहीं, यही तो सही मौका है, एक बार दीदी की राय भी जान ही लेते हैं, आखिर ऐसे ही मौके पर तो पता चलता है कि कौन अपना साथ देता है। उसी वक्त मोहित ने अपनी दीदी को फोन लगाया। उसने भी मदद करने से साफ इनकार करते हुए कहा, तुम्हारी पत्नी तो हमेशा बीमार ही पड़ी रहती है, अब ऐसे में कोई अपना काम धाम छोड़कर तुम्हारे घर पर ही थोड़ी ना पड़ा रहेगा। मैं तो कहती हूँ कि ऐसी पत्नी का साथ ही छोड़ देना चाहिए, अभी अगर हमें जरूरत होती तो यहाँ आकर वह काम कैसे कर पाती। घर की बहू तो ऐसी होनी चाहिए कि बीमारी में भी काम कर पाए। तुम्हें तो एक मजबूत पत्नी चाहिए थी, लेकिन तुम्हारे गले एक कमजोर पत्नी पड़ गई। अब मोहित और कुछ सुन नहीं पाया और उसने फोन काट दिया। रमा की आंखों से आंसू बहने लगे। मोहित ने उसके आंसू पोंछते हुए कहा, जाने दो, जिसका कोई नहीं होता है क्या वह ऐसी परेशानियों से बाहर नहीं आते हैं। दर्द तो बस इस बात का है कि सबके होते हुए भी आज हमें अकेलापन महसूस हुआ। मैं एक काम करता हूँ, तुम्हारा ध्यान रखने के लिए किसी हेल्पर को रख लेता हूँ, वह तुम्हारा ध्यान भी रख लेगी और खाना वगैरह भी बना दिया करेगी, और वैसे भी कुछ ही दिनों की तो बात है, हम मिलकर इस मुश्किल परिस्थिति से बाहर निकल आएंगे। रमा ने सहमति में सिर हिला दिया। जल्दी ही रमा का ऑपरेशन हो गया। मोहित ने उसकी देखभाल करने के लिए झुमरी को काम पर रख लिया था। झुमरी बहुत मेहनती थी और वह बहुत अच्छे से रमा का ध्यान रखती थी। देखते ही देखते एक महीने बीत गए और रमा पूरी तरह से स्वस्थ हो चुकी थी। हाँ, लेकिन इस मुश्किल घड़ी से मोहित को एक सबक जरूर मिला था कि कौन उसका अपना है और कौन नहीं। मोहित अपने घर वालों से बातचीत तो करता था, लेकिन अब वह पहले वाली बात नहीं रह गई थी। अब वह उन लोगों से ज्यादा जुड़ाव महसूस नहीं करता था। 3 महीने के बाद मोहित की माँ का फोन आया और वह कहने लगी, बेटा, तुम्हारी दीदी को फिर से चेकअप करवाने के लिए वेल्लोर जाना है, तो तुम रमा को भेज दो, वो वहाँ जाकर खाना वगैरह बना दिया करेगी। अब मोहित रिश्तों का लिहाज नहीं रख पाया। वह बोल पड़ा, माँ, जब रमा को जरूरत थी तब तो आपने 2 टूक जवाब दे दिया था, तो अब रमा कोई नौकरानी तो है नहीं कि मैं उसे वहाँ पर खाना बनाने के लिए भेज दूँ, इसलिए आप लोग कोई और इंतजाम कर लीजिए, रमा इस बार नहीं जाएगी। इतना कहकर उसने फोन रख दिया। मोहित की माँ को बुरा तो बहुत लगा, लेकिन मोहित को भी तो उस समय कितना बुरा लगा था। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या मोहित ने अपनी माँ को इनकार करके सही किया था या नहीं? अपने विचार कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।